नीतीश कुमार का शराबबंदी 100% फेल है या निकम्मा है या ऐसा छोटा सरकार कभी भी बिहार में नहीं हुआ और आगे होना भी नहीं चाहिए। ऐसा छोटा सरकार है, घर घर दारू बनवा रही है, घर घर दारू बनवा रही है, सरकार चल रहा है, घर घर जो है की दारू बनवाता है, बेचता है, मरता है इस एरिया में रोज। ये जो है ना नीतीश कुमार राज करना चाहता है, पॉइजन वाला जहर इस साला जो है बना के पिला रहा है और आदमी को मरवाने का काम कर रहा है, नहीं है जहर बेचता है। और जब तक SSP और DM साहेब और थानेदार साइन नहीं करेगा, मैटर मेरा तैयार हो रहा है, फौरन से कर रहे हैं। बस वाला सामने बस लगी हुई है, ड्राइवर नशा में है, 2.45 इसको माने कि मिला है अल्कोहल का मात्रा, इस पर चेक किया गया। इधर से बस आ रही, बस इधर से आ रही थी, गाड़ी पेट्रोल लेकर, यानी बड़िया की तरफ से बस जा रही थी, ये गाड़ी यहाँ है, पेट्रोल लेके निकला है, इधर इतना दाहिना चढ़ के इस पर मारा, इसमें घायल दो आदमी है, रेफर पटना तक हो गया दोनों। पुलिस प्रशासन हाय व्यक्ति, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। 10 SSP को मैंने फोन किए हैं, अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, और इस रोड में 1000 सब काम FIR अभी थाना में निकाला जाए तो 1000 FIR निकलेगा। इन्हें 28 से इतना मर्डर हुआ, अथी हो गया, एक्सीडेंट किया गया हुआ, लेकिन गाड़ी बंद होते हुए क्यों गाली चढ़ता है। मैं प्रशासन पुलिस से मैं मांग करता हूं, जिला प्रशासन से ये बंद हो, और मैं मैटर लिखवा करके SSP DM और थानेदार साइन करेगा, पूरा मुआवजा देगा लड़का को, सुरक्षित, उसके बाद जाम छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा, मेरा ये हो गया है डिसाइड, ठीक है। गंभीर रूप से घायल है, पूरा बचेगा नहीं महाराज, 90% गाड़ी की स्थिति देखिए, आइए गाड़ी दिखा, गाड़ी दिखाइए, देख रहे हैं 650 सीसी गाड़ी, लड़का बताइए 23 साल का, मेरा देश का भविष्य था, उसको जो है बताइए दारू पी के गाड़ी चला के देश के भविष्य को खत्म करने के काम किया है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग, कौन ये ऐसे, तो ये स्थानीय कोलवा दादर में जमीन लेके घर भी बनाए हुए हैं, नगवाड़ा घर हुआ इनका, क्या नाम? अशोक जी, अशोक शाह। अरे कौन थे लड़का का नाम क्या था? आयुष, आयुष कुमार, आयुष कुमार, एक लड़का का विशुतोष कुमार। अच्छा, कोलवा के रहने वाले, दादर कोलवा, दादर। अच्छा, कब की घटना है? अरे आज सुबह में लड़का उधर से आ रहा था, अब बस इधर से जा रही थी, लड़का बिल्कुल अपने साइड में, बायां साइड में, और तब बायां साइड में क्या किया कि ये बस वाला आया और उड़ा दिया, माने ओवरटेक करके मारा है। मांग है आप लोगों की, क्या मांग? मांग हमारा यही है, 1 मिनट आप लोग, मांग हमारा यही है, आप लोग से भी विनती करते हैं, मैं जिला प्रशासन से भी हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि NH 77 में गाड़ी नहीं चले, गाड़ी बंद हो गया हुआ है, इस रोड में हजारों कम से कम एक्सीडेंट घायल स्पॉट डेथ हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है पैसा लेकर गाड़ी चलवाने के काम करते हैं, समझ गए, और हम डरने वाले किसी से नहीं है। सुने ड्राइवर दारू पी हुआ है, 240 से मतलब 2 घंटा बाद चेक किया गया तो उसका जो नशा जो निकला है 240 240 पॉइंट निकला गया, इतना नशा में था। बताइए एक्सीडेंट जिस वक्त हुआ है उस वक्त उसमें से बोली नहीं निकल रहा था, जैसे एक्सीडेंट हुआ है हमारा भतीजा लगता है, हम जल्दी आए हैं तो ड्राइवर के मुंह से बोली नहीं निकल रहा था, अब बोलता था तो बहुत महकता, उस पर पैसेंजर भी बैठा हुआ था, और उसी वक्त थाना में खबर किया गया कि आप जल्दी पहले आइए और आ करके जो है कि माने मशीन लेते आइएगा नापने के लिए, 2 घंटा के बाद थाना, या जो है 2 घंटा के बाद जो है जब उसका चेक किया गया तो 240 निकला। शराबबंदी के बारे में क्या कहिए, नीतीश कुमार का शराबबंदी 100% फेल है या निकम्मा है, वो बच्चा को पूरा जो है पूरा अच्छा से मुआवजा मिले, और उसका बस का मालिक से जाकर देखे बच्चा को, अगर नहीं आएगा, जब तक नहीं जाएगा बच्चा को मालिक, बच्चा तो रोड नहीं खुलेगा, और साइन करवा के ही रास्ता खोलेंगे ना, तो ऐसे नहीं खोलेंगे। जैसे कि ड्राइवर से मारो, ड्राइवर पीछे से मारता हुआ है, पीछे से जैसे आए हैं, देखे कि ड्राइवर बुजुर्ग है, हम अपने लोगों से कर जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ड्राइवर को मारना नहीं है, ड्राइवर को मार नहीं लगा है, गाड़ी में किसी तरह का एक्सीडेंट किया है, पीछे नहीं है, गाड़ी को ड्राइवर को बचा के रखे हुए हैं, पुलिस 2 घंटा के बाद आई है, 2 घंटा के बाद खबर करने के बाद आई है, तो पुलिस चेक किया उसके मुंह में तो वह 240 पॉइंट दारू निकला है। अच्छा, दारू पी, हाँ 240 पॉइंट दारू, बयान लीजिए।
सच का आईना।